ये तीन मिस्टेक जो बिगिनर आर्टिस्ट को नहीं करनी चाहिए। कैसे दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आज आपको तीन मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जो बिगिनर आर्टिस्ट आमतौर पर करते हैं, वो आपको नहीं करनी चाहिए अगर आप अभी बिगिनर स्टेज में हैं। तो सबसे पहला तो है बेसिक पर ध्यान ना देना। जो शुरू के आर्टिस्ट हैं वो बेसिक पे ध्यान नहीं देते हैं शुरू से, मतलब वो रियलिस्टिक ड्रॉ करना चाहते हैं वो दूसरे के देख के, तो उनसे वो गलती कर देते हैं और वो कुछ बेसिक चीज़ें नहीं सीखते, जैसे नाक का पोस्चर कैसे ड्रॉ करना है, कैसे आइज ड्रॉ करनी, कैसे ईयर्स, कैसे फेस का स्ट्रक्चर देना है, ये सब बेसिक नॉलेज वो नहीं लेते। सीधा फ़ोन पे देखते हैं फोटो और उसको ड्रॉ करना हाथ से शुरू कर देते हैं। तो वो गलती आपने नहीं करनी है, आपने सबसे पहले अपनी बेसिक चीज़ें सीखनी है, जैसे अपने नोज़ कैसे बनाना है, किस तरीके से, किस एंगल से नोज़ बनेगा, इस साइड का कैसे बनेगा और इस साइड का कैसे बनेगा, हर एंगल का आपने देखना है, आइज़ कैसे बनेंगी और ईयर, फेस का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, कैसे शेडिंग देनी है, लाइटिंग कैसे देनी है, ये सब चीज़ें सबसे पहले आपने सीखना है। उसके बाद ही आपने पोर्ट्रेट पे आगे ध्यान देना है, अपने रियलिस्टिक वर्क पे। शुरू में आप अपनी बेसिक चीज़ों को क्लियर कर लीजिए। यूट्यूब पे बहुत सी वीडियो होंगी जिसपे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, तो आप उनमें वीडियो देखें और अपने बेसिक को सबसे पहले क्लियर कीजिए, फिर आप अपना प्रोसेस आगे बढ़ाइए। दूसरी जो मिस्टेक है, एक्सपेंसिव मटेरियल खरीद लेना, जो कि मैंने बहुत से देखे, मैं इंस्टाग्राम पे भी स्क्रॉल करके देख लेता हूँ कई, मतलब उनकी ड्राइंग इतनी, मतलब आप ये बेसिक सीख ही रहे होते, बट वो पेंसिल काफ़ी महंगी महंगी ले लेते हैं शुरू में, जैसे स्टेडलर की हो गई या टोम्बो मोनो या और भी जो ब्रांड हैं उनकी पेंसिलें यूज़ करते हैं वो, जबकि उनकी अभी ड्राइंग इतनी परफेक्ट नहीं है, तो उन्हें अभी इतने पैसे इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए। बीच में आपको हल्के हल्के, मतलब कम पैसे यूज़ करने चाहिए, जैसे आप आर्ट लाइन की पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, वो काफ़ी बेस्ट रहेंगे आपके लिए अगर आप बिल्कुल बिगनर हो, अपने अपने बिगनर, मतलब आप उसको 1-2 साल तक यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी कंटिन्यूसली काफ़ी अच्छे रहेंगे आपके, जो 1-2 साल के जो बिगनर स्टेज है वो आपके वो क्लियर कर देंगे, वो पेंसिल काफ़ी अच्छी हैं। तो आप शुरू में अपना एक्सपेंसिव मटेरियल ना लीजिए, आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों से काम चलाइए अपना, जब आपकी ड्राइंग थोड़ी इम्प्रूव होने लगे उसके बाद ही आप थोड़े एक्सपेंसिव मटेरियल पे जाइए। तीसरी चीज़, गलत चीज़ों को ड्रॉ करना है। जैसे आप समझ लीजिए, आपने सबसे पहले अपना एक देखना है कि आपने किस लाइन में जाना है, मतलब स्केचिंग आप हाइपर रियलिस्टिक या नॉर्मल में, या आप कलर में जाना चाहते हैं, आप कार्टून बनाने में जाना चाहते हैं, या बॉडी पोस्चर या कुछ भी अलग, जैसे आप लैंडस्केप वगैरह वगैरह, तो आपने पहले अपने एक चीज़ सेट कर लेने के, मतलब आपने बिल्कुल हाइपर रियलिस्टिक में जाना है या कार्टून में या और भी पेंटिंग में या स्केचिंग, और भी मतलब जो चीज़ें हैं आपने अपना पहले परफेक्टली ये देख लेना है, और ये नहीं है कि मतलब आपने करनी कुछ और है और आप सीख अभी कुछ और रहे हैं। और अगर आप जैसे रियलिस्टिक सीखना चाहते हैं तो आप कार्टून में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, कार्टून ड्रॉ कर करके आप रियलिस्टिक चीज़ों की तरफ ध्यान दीजिए, कोशिश कीजिए बेसिक सीखने के बाद उन्हीं पे शुरू कीजिए, आप कार्टून मत ड्रॉ कीजिए, उससे आपका थोड़ा ख़राब तो नहीं होगा बट आपका टाइम वेस्ट होगा उस चीज़ में। तो आपने मतलब एक अपना पहले एक परफेक्ट स्ट्रीम देख लेना है कि मतलब मैंने इस साइड में जाना है, उसके बाद आपने उस हिसाब से अपने आप को ढालते रहना है, उस हिसाब से आप आगे बढ़िए, आपका रास्ता काफ़ी आगे क्लियर हो जाएगा। अपना पहले आप परफेक्ट गोल रखिए कि आपने इस जगह पे जाना है इस साइड से, तो उससे आपको काफ़ी आसानी होगी और आपकी ड्राइंग भी काफ़ी आगे जाएगी और काफ़ी इम्प्रूव होगी। होप करता हूँ आपको इस वीडियो में काफ़ी नॉलेज मिली होगी और आप जो मैंने तीन चीज़ें बताई हैं आप इनको आगे से सुधारेंगे, और जो आप गलतियाँ पहले कर रहे थे वो गलतियाँ नहीं करेंगे। तो ऐसी और नई वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। नहीं आएगा कुल्फी, और ये है हमारी कुल्फी, इसको भी जाते जाते बाय बोल के जाइए।